अल्लाह 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 अल्लाह। बीवी का जूठा पानी पीने से उम्र पे फर्क पड़ता है, सारी जिंदगी उसको खुद इस्तेमाल करते रहे तो फर्क नहीं पड़ा, पानी पीने से फर्क पड़ जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल, आप जब जाएं सलाम, अपने सलाम पढ़ें तो दूसरे के भी कह सकते हैं। दुआ अल्लाह से करें, दुआ नबी से नहीं की जाती। सला तो सलाम नबी का हक है, दुआ अल्लाह का हक है। सला तो सलाम के अलावा दिल की बातें अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कर सकते। भाई बेटा बहन वालदा जिंदा रिश्तेदार जो हैं उनके लिए भी आप कर सकते हैं उम्रा, अगर वो वाकईतन आने से माजूर हैं। जो फौत हो गए उनके लिए भी कर सकते हैं। मस्जिद आयशा से उम्रा बांध के, इहराम बांध के उम्रा बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जिद्दे में रहता हूँ, पीछे हज करने आया, मैंने मस्जिद आयशा से इहराम बांधा। बिल्कुल हज ठीक है आपका। हम पाकिस्तान से आए उम्रे के लिए, इहराम बांधा, हरम आए, उम्रा किया, मदीने चले गए। 10 दिन मदीने रहने के बाद मीकात से इहराम बांधा, रास्ते में बीवी को हैज आ गया। खामन ने उम्रा किया, बीवी आज हैज से पाक हुई है तो अभी जाके उम्रा कर लें। उनको ख्याल नहीं था, मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी कर ली, दम पड़ गई माशाल्लाह। उसको उम्रा तो कर लेने देते ना, तो भाग तो ना जाती। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं कादियानी जमात का जिम्मेदार था। अल्लाह ने मुझे हजरत ताउल मोमिन मुहैमिन बुखारी की हिदायत में इस्लाम कबूल करने की तौफीक दी। बिल्कुल अल्लाह पाक आपको कुफर से बचा लिया, शिर्क से बचा लिया, कादियानियत से बचा लिया। अल्लाह आपको इस्तकामत नसीब फरमाए। और ख़त्म नबूवत के जो मुबल्लिगीन हैं उनको भी उदो इला सबील रब्बिक बिलहिकमत वल मौइज़तिल हसना, हिकमत व मौइज़े के साथ दावत देनी चाहिए। इहराम बांध के गुस्से में गाली दी, किसी को गधे का बच्चा कह दिए तो इस्तगफार पढ़ो, आइंदा एहतियात करो। नकद कीमत और उधार की कीमत में फ़र्क हो तो वो जायज़ है। हजूर ने मक्के वालों को कौन सी पहाड़ी पे बुलाया थी? जबल सफ़ा पे, जहाँ से सफ़ा दौड़ते हो। उम्रे में तवाफुल विदा वाजिब नहीं होता, हज में वाजिब होता। मुझे याद नहीं है, बहरहाल कर्जे के लिए इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ा करो। क्या जिंदू को कब्र में दफन किया जाता है? क्यों तुम्हारे मुल्क में उनको खड़ा करके दरख्त के साथ बांध देते हैं? कब्र में ही दफन होते, अमातहू फ अकबरहू, कुरान है। जवान बेटा अपनी माँ के पांव दबा सकता है? मौजूदा दौर में बिल्कुल नहीं। अब ये फितने का दौर है, कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं, माँओं से जिना, बहनों से जिना, बेटियों से जिना। इसलिए आखिर कोई हिकमत तो है ना, कि उसने फरमाया कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दो। जब बिस्तर ही अलग कर दो तो पांव कैसे दबाएगा? बेटा अपनी माँ को गुस्ल दे सकता है, मैयत को नहीं दे सकता है। औरत गुस्ल देगी, औरत के रमज़ान में जो रोज़े कज़ा हुए हैं तो अब वो कज़ा रख ले, ज़रूरी नहीं कि शीशे बाल के रखे, वही कज़ा समझ के रख ले, इंशाअल्लाह दोनों सवाब मिल जाएंगे। मीकात इहराम बांधने के बाद अगर मर्द हम्माम में जाए और नीचे वाली चादर खोल के बैठे, न खोलेगा तो क्या चादर में पेशाब करेगा? और इसका कोई अकल है दुनिया में? या उम्र आपका नीचे वाली चादर में बांधा हुआ है कि जब खोलोगे तो भाग जाएगा?
भाई ने बीवी को एक वक्त में 60 बार तलाक दी, तो 3 पक्की हो गई, बाकी जाए गई। मेरा भाई जो है 20 बार हिफ्ज कर चुका है, आगे शौक से नहीं पढ़ता। दुआ करो और किसी अच्छे कारी के पास बिठाओ। ये जो हाफिज मारते हैं ना लोग, इसी वजह से बच्चे नहीं पढ़ते। जो मारने वाले हैं इन जल्लादों के पास कभी औलाद को ना पढ़ाओ, उनके पास पढ़ाओ जो नफ्सियाती तौर पे बच्चे को कायल करें पढ़ने के लिए। रमजान में उमरा हज के बराबर, तो क्या हज यानी हजूर के साथ हज के बराबर, लेकिन हज फर्ज अदा नहीं होगा, उसके बराबर है। ये नहीं कि हज है। जिंदा बंदा अगर माजूर है तो उसके लिए तवाफ कर सकते हैं। दौरान तवाफ दरूद शरीफ पढ़ा, ठीक है। दूसरा तवाफ नफली शुरू किया, जनाजा शुरू हो गया, जनाजा पढ़ के उसी जगह से फिर आगे चला जाए। हाथ के इशारे से हजर अस्वद को अगर हाथ लग जाए फिर चूम ले, वरना चूमने की जरूरत नहीं है। मक्के में अगर सदका फितर देंगे, यहाँ के एतबार से देंगे। मैं तवाफ का उमरा कर रही थी, तवाफ के छठे चक्कर में हाथ गिलाफ काबा पे लग गया, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता। एक उमरा एक के लिए होता है। मैंने उमरे के लिए आई, एहराम बांधने के बाद नफिल नहीं पढ़ सकी, कोई हर्ज नहीं। खुद तो कह रही हो बेटी कि नफिल है, जब नफिल है तो माने जरूरी नहीं है। उमरे के बाद औरत अपने बाल खुद काट सकती है, बिल्कुल काट सकती है। उमरा किया, अगर बाल टेंट ना कराए लेकिन सारे सर के बाल काटे, अगर टक लगाया है तो दम पड़ जाएगा। बहरहाल तवाफ के दौरान अल्लाह के काबे के खिलाफ को पकड़ना जायज नहीं है, और मासिवाय मुल्तजम के किसी और जगह सीना लगाना भी जायज नहीं है। वल्लाहु आलम।